दोस्तों, आटा, सूजी और आलू का ये बहुत ही क्रिस्पी और चटपटा नाश्ता अगर आपने एक बार बना लिया तो आप इसे बार बार बनाना चाहोगे। नमस्कार दोस्तों, धर्मेश किचन में आपका स्वागत है। आज हम बहुत ही क्रिस्पी आलू भुजिया बनाएंगे, जो बनाने में बहुत ही आसान है और फ्राई करने के बावजूद भी ये इतने ऑयली नहीं बनेंगे और आप इसे 2 घंटे के लिए आराम से क्रिस्पी रख सकते हो। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बनाना बहुत ही आसान विधि से डिलीशियस आलू भुजिया। आलू भुजिया बनाने के लिए सबसे पहले हम आटा लगा करके तैयार करेंगे। बाउल में 1 कप आटा लेंगे। अब उसी में 1/4 कप बारीक सूजी भी ऐड करेंगे। स्वादानुसार नमक और 1 टीस्पून अजवाइन को ऐसे ही हाथ से क्रश करके ऐड करेंगे। अब सभी सामग्री को अच्छे से मिला लेंगे। 2.5 टेबलस्पून तेल भी ऐड करेंगे और अच्छे से मिला लेंगे। तेल हमें इतना ऐड करना होगा कि आटे की इस तरह से मुट्ठी बन सके। अब थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करके सख्त आटा लगा करके तैयार करेंगे। जिस तरह से हम पराठा का आटा लगाते हैं, यहाँ भी हमें पराठा के जितना सख्त आटा लगाना होगा। आटे को 2 से 3 मिनट के लिए मसल लेंगे, जिसे गीले कपड़े से ढककर 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे और तब तक हम स्टफिंग तैयार करेंगे। और इसके लिए मैंने यहाँ 2 उबले हुए और छिलके निकाले हुए आलू लिए हैं। आलू को मैश करेंगे। आलू के एक भी टुकड़े नहीं रहने चाहिए, इस तरह से अच्छे से मैश करेंगे। अब उसी में 1/3 कप उबले हुए हरे मटर के दाने भी ऐड करेंगे और इसे भी इस तरह से थोड़ा सा क्रश कर लेंगे। 1/3 कप कसा हुआ गाजर, 1 टेबलस्पून अदरक मिर्ची की पेस्ट, 1 टेबलस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून अमचूर पाउडर, 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, नमक स्वादानुसार, 1 टीस्पून गरम मसाला और 1/4 कप बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी ऐड करेंगे। अब सभी सामग्री को अच्छे से मिला लेंगे। दोस्तों, हमने चाट मसाला की मात्रा ज़्यादा रखी है, तो नमक ऐड करते वक्त ध्यान रखें क्योंकि चाट मसाला में भी नमक की मात्रा होती है। तो यहाँ हमारा बहुत ही चटपटा आलू मसाला तैयार है। 15 मिनट के बाद आटे को 1 से 2 मिनट के लिए मसल लेंगे। और आटे से 5 समान लुइया तोड़ लेंगे। अब लुई से मोटी सी रोटी बेल करके तैयार करेंगे। हमारा आटा परफेक्ट है, तो हमें यहाँ सूखा आटा छिड़कने की जरूरत नहीं है। बिना आटे के भी हम इसे आसानी से बेल सकते हैं। हमें रोटी से भी थोड़ा सा पतला बेल करके तैयार करना होगा। अब ग्लास या कटोरी की सहायता से इस तरह से राउंड शेप में कट कर लेंगे। एक्स्ट्रा आटा हटा देंगे, जिसे लुई के साथ मिला लेंगे। तो यहाँ हमारी समान आकार की पूरियाँ रेडी है। अब 1 टेबलस्पून जितना आलू मसाला रखेंगे, थोड़ा सा प्रेस करेंगे और किनारों पर पानी स्प्रेड करेंगे। ऊपर दूसरी पूरी रख देंगे और इस तरह से पूरी की दोनों किनारे को प्रेस करते हुए सील करेंगे। अब जिस तरह से हम गुजिया बनाते हैं, उसी तरह से डिज़ाइन बना लेंगे। अगर आपको इस तरह से डिज़ाइन करना नहीं जम रहा, तो आप फोर्क से साइड प्रेस कर सकते हो। समान विधि से हम बाकी की गुजिया बना करके तैयार करेंगे। दोस्तों, बताई गई सामग्री से आप 24 से 25 गुजिया बना सकते हो। तो यहाँ हमारे सभी गुजिया रेडी है, जिसे गर्म तेल में धीमी आंच पर फ्राई करेंगे। पहले तेल को अच्छे से गर्म करेंगे और तेल गर्म होने के बाद गैस की आंच बिल्कुल धीमी कर देंगे और उसके बाद हम तेल में गुजिया डालेंगे और इसे फ्राई करेंगे। गुजिया डालने के बाद तुरंत नहीं पलटेंगे। जब लगे कि गुजिया का कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है और क्रिस्पी भी हो गया है, तब हम इसे पलटेंगे। अब गुजिया को सुनहरा या फिर क्रिस्पी होने तक फ्राई करेंगे। यहाँ आप देख सकते हो कि हमारे गुजिया फ्राई हो गए हैं, जिसे तेल से निकाल लेंगे। अब समान विधि से बाकी के गुजिया भी फ्राई करेंगे, जिसे किचन पेपर पर निकालते जाएंगे। गुजिया को तोड़कर भी देख लेंगे।
देखकर ही लगता है ना दोस्तों कि गुजिया बहुत ही क्रिस्पी बने हैं। गर्मा गर्म गुजिया को टमेटो केचप, हरी चटनी या डिप के साथ एंजॉय करें। दोस्तों अगर इस रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक और कमेंट करना ना भूलें। मैं धर्मी फिर मिलूंगी ऐसे ही आसान सी रेसिपी के साथ।